आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। Created with free version for non-commercial use. अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, और हमारी भी यही दुआ है कि आप यूं ही सदा हंसते मुस्कुराते रहें। नाजरीन, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन फेस मास्क लेकर आए हैं। इस फेस मास्क को अगर आप इस्तेमाल करें, अगर आप बनाएं, तो आपको इससे बहुत फ़ायदा होगा। सबसे बेहतरीन फ़ायदा तो ये होगा कि अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लो करे, अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन चमकदार हो जाए, आपका चेहरा चमकदार हो जाए, आपका चेहरा जो है वो ग्लो करे, आपका फेस ग्लो करे, तो इस टोटके को, इस रेमेडी को ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। ये बहुत ही लाजवाब रेमेडी है, इसके बहुत से फ़वाद हैं। इसके अलावा इसके जो फ़वाद हैं, अगर हम उनका बारे में जिक्र करें, तो एक तो इसका जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि इस फेस मास्क को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपको एक्नी और पिंपल वगैरह से भी हिफाजत मिलेगी, यानी आपका फेस जो है वो एक्नी पिंपल्स वगैरह से महफूज रहेगा। अच्छा, इसके अलावा चेहरे पर अक्सर मुख्तलिफ तरह के जो एक्नी पिंपल्स वगैरह के दाग होते हैं, निशानात वगैरह होते हैं, तो उनसे भी इस फेस को, अगर इस फेस मास्क को हम इस्तेमाल करें तो उन दागों से, उन निशानात वगैरह से भी हमें निजात मिलेगी। सबसे पहले हम आपको बताते हैं किस तरीके से ये फेस मास्क हमने इस्तेमाल करना है। इसमें हमें नाजिन ये हल्दी है, टर्मेरिक हल्दी, ये बेसन है और ये मिल्क है। नाजिन, हमें थोड़ी सी, हम तकरीबन इतनी सी हल्दी लेंगे, क्योंकि हम अगर नाजिन इस फेस मास्क में हम अगर हल्दी यानी टर्मेरिक ज्यादा यूज करेंगे तो हमारी जो स्किन है वो ग्लो करने की बजाय येलो येलो कलर शो होगा, तो इसलिए हम थोड़ी सी टर्मेरिक लेंगे। बेसन हम टर्मेरिक की नस्बत थोड़ा ज्यादा ले लेंगे। नाजिन, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बेसन जो लिया है वो टर्मेरिक बहुत कम ली है और बेसन ज्यादा लिया है। ऐसे ही हम थोड़ा सा मिल्क जो है वो ऐड कर लेंगे। नाज़रीन, ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बेसन और हल्दी का फेस मास्क जो है ये तैयार है। नाज़रीन, ये फेस मास्क जो हमने बनाया है बेसन और हल्दी का इस्तेमाल करते हुए, नाज़रीन इस फेस मास्क को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी, आपकी स्किन की वाइटनिंग में भी इजाफा होगा और स्किन कलर जो है वो बेहतरीन हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ये टोटका है। इस टोटके के किसी भी किस्म के कोई मुजर नुकसानात नहीं है और ये बहुत ही फायदे वाला टोटका है। इस टोटके को आपने, जब ये पेस्ट तैयार हो जाए तो इस पेस्ट को आप अपने चेहरे पर अप्लाई करें और चेहरे पर इस पेस्ट को आप तकरीबन 25 से 30 मिनट तक लगा रहने दें। 25 से 30 मिनट जब गुजर जाएं तो उसके बाद आप को नीम गर्म पानी से या फिर ताज़े पानी से आप अपना चेहरा धो सकते हैं। नीम गर्म पानी से चेहरा धो सकते हैं या ताज़े पानी से भी चेहरा धो सकते हैं। इन दोनों से आप कोई भी वाटर यूज कर सकते हैं चेहरे को धोने के लिए। हफ्ते में आप अगर चाहते स्किन ग्लो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो ग्लो करती रहे और स्किन की ग्लो, आपकी जो स्किन ग्लो है वो मुस्कर रहे, तो आप हफ्ते में कम से कम 3 दिन या 3 दफा ये टोटका लाजमी इस्तेमाल किया करें। देखें नाजिन, ये सिंपल सा फेस मास्क है, ये मैंने थोड़ा सा बनाया है, आप चाहें तो अपनी जरूरत के मुताबिक ज्यादा भी बना सकते हैं, लेकिन तरीका आपने यही रखना है। टर्मेरिक बहुत कम डालनी है, बेसन थोड़ा ज्यादा डालना है और दूध भी डालना है, दूध इतना डालना है
کہ یہ آپ کا جو پیسٹ ہے یہ بآسانی تیار ہو سکے۔ امید ہے ناظرین آپ کو یہ ٹوٹکا پسند آیا ہوگا، آپ یہ فیس ماسک گھر پر بنائیں گے اور اسے استعمال کریں گے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔